क्या आप सब अपने मोबाइल फोन से, अपने मोबाइल डेटा से ये वीडियो देख रहे हैं? अगर हाँ तो आप सबके लिए एक बुरी खबर है। आप आज जितना मोबाइल डेटा के लिए पे कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आप सबको उसके 10 गुना ज़्यादा पे करना पड़े। जी हाँ, एयरटेल के चेयरमैन मिस्टर सुमित मित्तल ने अपने सब्सक्राइबर्स को वार्न कर दिया है कि वो अपने प्रेजेंट पे से कुछ ज़्यादा पे करने के लिए तैयार रहें। जहाँ आप अभी 10 रुपीज़ पर GB पे कर रहे हैं, वहीं आपको 100 रुपीज़ पर GB पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको करीब 10 गुना ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। जहाँ अभी आप पर डे 1.5 GB डेटा यूज़ कर पा रहे हैं, वहीं आपको हाइक के बाद 1.5 GB पर मंथ पे करना पड़ेगा। ये तो वही हाल हो गया जो जियो रेवोल्यूशन के पहले था। एयरटेल के चेयरमैन मिस्टर सुमित मित्तल के हिसाब से 16 GB सिर्फ 160 रुपये में देना एक ट्रेजेडी है। एयरटेल के वो यूजर्स जो 2 नंबर्स ऑपरेट करते हैं, उन्हें भी अपनी सिम को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, विच इज अगेंस्ट ₹45। यानी कि अब आपको 45 रुपीज़ के मिनिमम रिचार्ज की जगह 100 रुपीज़ का मिनिमम रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एयरटेल का ये कहना है कि ARPU नेक्स्ट 6 मंथ्स में 200 तक जाएगा और आने वाले कुछ समय में उसे ₹250 तक जाना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज व्हाट इज ARPU? ARPU इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब हर यूजर का हर महीने का कितने रुपए का कंजप्शन है। मित्तल का ये कहना है कि अभी का ARPU जो है 157 रुपीज, उसे आने वाले कुछ समय में 300 तक जाना पड़ेगा। आपको 100 रुपीज के मिनिमम रिचार्ज के साथ एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डेटा मिलेगा। अगर 100 रुपए का ये जो मिनिमम रिचार्ज आपके लिए अगर काफी नहीं है, आपको अगर मूवीज, एंटरटेनमेंट, टीवी के लिए एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, आपको एक्स्ट्रा कंजम्पशन चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होंगे, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग अनलिमिटेड डेटा के आदि हो चुके हैं। हम सब यूट्यूब, टीवी, इनफैक्ट हम लोग अपनी टीवी भी स्मार्टफोन से कनेक्ट करके मोबाइल डेटा से देखते हैं। हमारे साथ साथ हमारे एल्डर्स और बच्चे भी स्मार्टफोन एडिक्ट्स बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस कोरोना काल में हम सबके काम धंधे लगभग ठप पड़ गए हैं, वैसे में क्या हम इतने महंगे डेटा पैक्स के लिए रेडी हैं? कोरोना टाइम में बच्चों की चल रही महीनों से ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल डेटा अब शौक नहीं एक ज़रूरत बन चुकी है। सस्ते इंटरनेट पैक की वजह से जहां हर हाथ में स्मार्टफोन है, वही सवाल ये है कि इतने महंगे इंटरनेट में आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। नॉन एयरटेल यूजर्स के लिए भी ये सभी बातें काफ़ी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि जाहिर है अगर एयरटेल अपनी रेट्स में इस तरह इंक्रीमेंट करेगा तो लोग दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे कि जियो, वोडाफोन पर शिफ्ट करेंगे। और साफ है एयरटेल इतना भी बेवकूफ नहीं कि वो ऐसे ही इतना बड़ा डिसीजन ले ले। ऐसे में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये महंगाई का पहाड़ सारे यूजर्स पे टूटे और सभी इस चीज का शिकार हो। एयरटेल ऑन इट्स डिफेंस हैज सेड दैट उन्हें नए 5G पर भी काम करना है। उसके साथ ही साथ उन्हें कई नए मॉडिफिकेशंस करने हैं, जिसके लिए डिसीजन बहुत ही जरूरी था। आपकी इस डिसीजन पर क्या राय है? इन टफ टाइम्स में क्या हम इतने महंगे डेटा प्लान्स के लिए रेडी हैं? प्लीज राइट डाउन योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू लेट अस नो इफ यू आर रेडी और नॉट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।